सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मकर राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं आपके फरवरी और मार्च के महाराशिफल के बारे में महा भविष्यवाणी, पूरे दो महीने पहले दो महीने की राशियों के बारे में, दो महीने की महा भविष्यवाणी के बारे में। पहले जितने भी भविष्यवाणी हमने की है वो सारी शत प्रतिशत सच हुई हैं और वो सारी भविष्यवाणी आपने ही हम लोगों को कमेंट करके बताया है। तो इसमें भी दो महीने पहले से हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ परेशानियां आपके जीवन में आने वाली हैं, उनके उपाय, उनके सुझाव हम वीडियो के आखिरी में आपको बताएंगे, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। इन दो महीनों में आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होगा और कुछ बहुत बुरा होने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप करियर के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके प्रेम के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके मतलब जितनी भी चीज़ें, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ, उनका ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, जिसका सॉल्यूशन हम हमारे अगले वीडियो में देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि मकर राशि का ये वीडियो जितने भी आपके साथ मकर राशि वाले दोस्त लोग हैं, आपके बंधु हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए आप फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मकर राशि वाले लोगों तक ज़रूर शेयर करें। आखिरी बात यह है कि अगर आप मकर राशि के और भी वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये ज़रूर चेक करें कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो आप एक बार बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं करियर और व्यावसायिक राशिफल के बारे में। 2020 के फरवरी और मार्च में मकर राशि के जातक और जातिकाओं को करियर व व्यवसाय को प्रसिद्धि मिलने की पूरी उम्मीदें बनी रहेंगी, जिससे आपके संस्था का नाम और अच्छा होता रहेगा। यदि आप पहले से ही नामी व्यवसायी हैं तो और ख्याति की स्थिति बनी रहेगी। यदि आप अपने करियर को विभिन्न क्षेत्रों, सैन्य, सुरक्षा, न्याय, प्रबंधन, विपणन के क्षेत्रों में संवारने की तमन्ना रखते हैं तो आपको इस वर्ष 2020 के फरवरी और मार्च महीने में अच्छी सफलता की स्थिति बनी हुई रहेगी, जिससे आप खुश रहेंगे, कार्य व व्यवसाय में सफलता को गढ़ते हुए रहेंगे और जीवन के सर्व सुख के लक्ष्य को प्राप्त करने की अच्छी पहल करते हुए रहेंगे। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ उसके अच्छे होने के आसार रहेंगे, इसलिए अपने प्रयासों को जारी करने में कोताही से बचने की ज़रूरत बनी हुई रहेगी, क्योंकि कर्म भागवत वर्ष 2020 के फरवरी और मार्च में बहुत अधिक समय और शुभ ग्रहीय प्रभाव की कमी सी बनी हुई रहेगी, जिससे आपको कई बार ऐसा लगेगा कि प्रयास संघर्षों की शक्ल में तब्दील होते जा रहे हैं, इसलिए सावधानी की ज़रूरत बनी हुई रहेगी। चलिए आपको बताते हैं आपके प्रेम और संबंध के भविष्यफल के बारे में। नववर्ष 2020 में मकर राशि वाले जातक व जातिकाओं के घर परिवार को जोड़ने के प्रयास फलदायी रहेंगे फरवरी और मार्च में, जिससे आपके हौसले बुलंद रहेंगे, क्योंकि आप जहां अपने माता पिता से जुड़े हुए रहेंगे वहीं भाई बहनों व अन्य कुटुंबियों के साथ अच्छी सहमति की स्थिति बनी रहेगी। फरवरी मार्च में आप कोई धर्म व वैवाहिक कामों को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए रहेंगे। इस दौरान आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कहा जा सकता है, अर्थात आप अपने परिवार को सुखमय जीवन के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार रहेंगे। वैसे प्रेम संबंधों के लिए श्री शुक्र की स्थिति आपको बीच का रास्ता चुनने के संकेत दे रही है, इसलिए आप अपने व्यवहार के द्वारा आघात ना पहुँचाएँ, अन्यथा हानि की स्थिति बनी हुई रहेगी, क्योंकि शुक्र वर्ष 2020 के फरवरी और मार्च में कुंभ राशि से मेष राशि तक गोचर में पहुंचेंगे शुक्र, जो प्रेम भाव का व्यय भाव होता है, इसलिए निजी संबंधों में कहीं यात्राएं या फिर दूरियां बनने के संकेत रहेंगे जो आपको दुखी करते हुए रहेंगे, इसलिए सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं, नहीं तो आपको हानि हो सकती है। अब आपको बहुत जल्दी से बताते हैं आपके स्वास्थ्य के राशिफल के बारे में। 2020 के फरवरी मार्च के ये महीने मकर राशि के जातक और जातिकाओं के शारीरिक क्रांति को और अधिक प्रबल करने वाले बने हुए रहेंगे,
जिससे आप अपने कामों को और तेजी के साथ अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए रहेंगे। वर्ष 2020 के इन महीनों में आप अपने कार्मिक दायित्वों का निर्वहन बखूबी करते हुए रहेंगे, क्योंकि सेहत से ही सब कुछ संभव है। इसी से संसार की झांकी को देखने व हमारे स्वस्थ जीवन के पूरक लक्ष्य, जो धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के रूप में जाने जाते हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आपको वर्ष 2020 के फरवरी और मार्च के महीने में सेहत को और सुचारू बनाने हेतु पहले से ज़्यादा खान पान व आहार विहार का ध्यान देने की ज़रूरत बनी हुई रहेगी, क्योंकि इस वर्ष 2020 के फरवरी मार्च के महीने में श्री सूर्य मकर से मीन राशि तक रहेंगे। वहीं राशि स्वामी शनि धनु से मकर राशि यानी लग्न भावगत बने हुए रहेंगे, जिससे आपको सेहत में सिर के दर्द, मानसिक पीड़ाओं की स्थिति उभर सकती है। इसलिए उपयोगी चिकित्सीय सलाह लेते हुए रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आपको बताते हैं बहुत जल्दी से आपके शिक्षा और ज्ञान के राशिफल के बारे में। 2020 के फरवरी और मार्च के महीने मकर राशि के जातक व जातिकाओं के शैक्षिक पहलुओं को प्रखर करने वाले बने हुए रहेंगे। यदि वास्तव में फरवरी मार्च को सफल बनाने के इच्छुक हैं तो अपने पढ़ने लिखने की अभिरुचियों को सही मायने में और विकसित करने की ज़रूरत रहेगी। अध्ययन व अध्यापन की मानसिकता और सफल होने की भावनाओं में यदि आप अंतर नहीं आने देंगे तो सफलता की स्थिति श्री शुक्र है, जो इस नव वर्ष में 8 जनवरी को कुंभ, 2 फरवरी को मीन राशि तथा फरवरी के अंतिम दिनों में आपके विद्या भाव के व्यय भाव में रहेंगे, जिससे आपको अध्ययन में पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। यदि आप खेल, संगीत, मनोरंजन या फिर आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए रहेंगे तो आपको वर्ष 2020 के फरवरी मार्च में कहीं और आवाजाही की ज़रूरत बनी हुई रहेगी, क्योंकि गुरु का व्यय भाव गत गोचर इस बात की संभावना को और बढ़ाने वाला रहेगा कि ज्ञान व शिक्षा को लेकर आपको कहीं यात्रा में जाने की स्थिति बनी रहेगी। बहुत जल्दी से आपको बताते हैं आपके वित्तीय राशिफल के बारे में। 2020 के फरवरी और मार्च मकर राशि के जातक व जातिकाओं के अर्थ लाभ को बढ़ाने के लगातार कई अवसरों को लाने वाले बने हुए रहेंगे, जिन्हें और उपयोगी व फायदेमंद बनाने के लिए आपको अपने स्तर पर और मेहनत करने की ज़रूरत बनी हुई रहेगी। वैसे आपके अर्थ लाभ के स्वामी मंगल हैं, जो आपको वर्ष 2020 के महीनों में तकनीक, प्रबंधन, कुशल नेतृत्व के क्षेत्रों से वांछित लाभों को देने वाला हुआ बना रहेगा। यदि आप किसी वस्तु व पदार्थ के उत्पादक व विक्रेता और निर्माता हैं तो आपको कुछ एहतियात और हृदयंगम रखने की ज़रूरत बनी हुई रहेगी। किसी अंतिम ऐसे निर्णय जो कि हानि की कोई बड़ी संभावनाओं से युक्त हो, उसमें अनुभवी लोगों की उपयोगी सलाह लेने की ज़रूरत बनी हुई रहेगी, क्योंकि व्यय भागवत मंगल का गोचर आपको जहाँ कुछ बड़ी हानि की स्थिति देने वाला रहेगा, वहीं व्यय भार को बढ़ाने की स्थिति देने वाला बना हुआ रहेगा। वैसे इसके पश्चात 22 मार्च को मकर राशिगत का गोचर हालांकि आपके अर्थ लाभ की ओर उच्च करने वाला रहेगा, क्योंकि धनु राशि यानी व्यय भागवत गुरु का गोचर भी व्यय की स्थिति को देने वाला बना रहेगा। चलिए आपको बताते हैं कुछ उपयोगी उपाय और सुझाव के बारे में। निश्चित रूप से आपके लिए सारे उपाय लाभकारी रहेंगे, क्योंकि चाहे आप राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा किसी भी फील्ड के हों, आपको ग्रह नक्षत्र के दुष्प्रभावों से बचने के लिए ये सारे उपाय और सुझाव हम आपको बताने जा रहे हैं। पूर्व में भी हमने जो भी उपाय बताए हैं उनके बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। फरवरी मार्च के लिए जो उपाय हैं, सबसे पहली बात यह है कि 12 मुखी रुद्राक्ष को आप ज़रूर धारण करें या फिर आप अपने पास रखें। श्री हनुमान यंत्र और लॉकेट को आप ज़रूर अपने पास रखें या फिर धारण करें, और शुक्रवार के दिन गाय के लिए हरे चारे का पूरा इंतज़ाम आपको ज़रूर करना चाहिए। तो बंधुओं, ये था वीडियो मकर राशि के लिए फरवरी और मार्च महीने के लिए 2020 के लिए। जितना हो सके इस वीडियो को मकर राशि वाले बंधुओं तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर आप मकर राशि के और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इसके बाद आप हमको ये भी बताएं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, किस चीज़ों से आप परेशान हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उनका सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे हमारे अगले किन्हीं वीडियो में।